हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गो हैश। गुलबर्गा, गुलबर्गा और बीदर के लोगों के लिए एक खुशखबरी दी जाती है। गुलबर्गा टू बीदर एक ही ट्रेन चलाई जा रही थी, मगर इस बढ़ती आबादी को मद्देनजर रखते हुए और एक ट्रेन का आज इनॉग्रेशन हो चुका है। जी हाँ, अब गुलबर्गा टू बीदर टू पेयर्स में ट्रेन चलेंगे। गुलबर्गा टू बीदर डेमो ट्रेन अब गुलबर्गा से स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ, और इस ट्रेन की इनॉग्रेशन के लिए वक्त दिया था गुलबर्गा के MP उमेश यादव और साउथ के MLA अप्पू गौड़ा जी ने। इस ट्रेन की इनॉग्रेशन की और ट्रेन को ग्रीन सिग्नल देकर गुलबर्गा टू बीदर के लिए रवाना किया। और अप्पू गौड़ा जी ने और उमेश यादव जी ने मीडिया वालों से बात करते हुए बताया कि ये ट्रेन बीदर, खानापुर जंक्शन, कानाजी हाल्ट, हलीखेड़ बी, हुमनाबाद, हलीखेड़ के, कमलापुर, कोरीगुट्टा, ताज सुल्तानपुर और ऐसे काफी सारे छोटे मोटे स्टेशन पर ये ट्रेन स्टॉप होने वाली है। आइए देखते हैं गो हैश की एक स्पेशल रिपोर्ट। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, KBN यूनिवर्सिटी, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, फाइन आर्ट डिजाइनर्स, चुलबुल फर्नीचर एंड लाइटिंग, स्पार्कल्स इंटरनेशनल स्कूल, MD Lee's प्रीमियम केक्स एंड डिजर्ट्स एंड बाय आदर्श ट्रेडर्स। हमारे को ट्रेन का वो कुछ भी सुविधा नहीं था। प्रहलाद जोशी जी ने हमारे MP से रहते हैं गुलबर्गा से कोल्हापुर को जाने के लिए एक नया ट्रेन हमने प्रारंभ किया है। ऐसा बहुत सारे नए योजना हमारे MP सर के लीडरशिप में यहाँ पर काम चल रहा है। तो और एक बार मैं हमारे पूरे लोगों की तरफ से मैं MP सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे बातें खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। हमारे कलबुर्गी स्टेशन में अहमदाबाद चेन्नई एक्सप्रेस, केवड़िया चेन्नई एक्सप्रेस यहाँ पे स्टॉप होने वाली है, पहले नहीं स्टॉप होती थी। और हमारे पास शाहबाद को मुंबई टाइगर बाबर कोयल एक्सप्रेस, ये भी बहुत दिन का डिमांड था, ये भी स्टॉप हो रहा है शाहबाद में। शाहबाद में और एक मुंबई त्रिवेंद्रम एक्सप्रेस, ये भी स्टॉप नहीं होती थी, अब शाहबाद में स्टॉप होगी। हमारे अवगवाड़ी में मुंबई सिकंदराबाद, ये बहुत डिमांड था लोगों का, मुंबई सिकंदराबाद एक्सप्रेस वाड़ी में भी स्टॉप होगी। और नालवार में यशवंतपुर लातूर एक्सप्रेस की भी स्टॉप होगी। और यहाँ पर हमारे और एक हमारे दत्तात्रेय साहब थोड़ा ऐसा है कि बीदर से इसलिए बोल रहे थे, ताज सुल्तानपुर से आए उसके बीदर से भी होगी। और यहाँ पे कलबुर्गी देन मुंबई जो हमारे स्पेशल ट्रेन है वंदे भारत ट्रेन, सोलापुर से शुरू है, उसको गुलबर्गा से एक्सटेंशन देने के लिए इन प्रिंसिपल अग्री हो गए। वो भी थोड़े दिन में हमारे कलबुर्गी मुंबई वंदे भारत का भी प्रोसीजर होने वाले है। और हमारा ये गुलबर्गा स्टेशन को अप्रूव स्टेशन बोल के काम करने के लिए सरकार ने आदेश दिया। अप्रूव स्टेशन बोल दो होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द रेलवे स्टेशन, हर चीज यहाँ पे डेवलप होगा। और मॉडर्नाइजेशन एंटर गुलबर्गा स्टेशन विल मॉडर्नाइज। और एक मेरा डिमांड है, आप सब लोगों का डिमांड है, हमारे गुलबर्गा में रेलवे स्टेशन के सामने यहाँ पे लेफ्ट साइड इंडियन रेल का जो ब्लॉकेट है वो निकाल कर यहाँ पे पैरेलल रोड होने के लिए आरटीओ ने इंस्ट्रक्शन दे दिया। उससे बहुत अच्छा डिगेटेशन भी होगा और लोगों को अपने अपने घर को चलने से भी पहुंच जा सकते हैं, वो भी डिमांड है। और मैं DRM साहब को बोलता हूँ, हमने बहुत मीटिंग हुई है, पूरा मिनट्स पड़ी है, मिलकर हम सब काम करेंगे। समय हो गया है, अभी आपको स्वागत करना है, सबको शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद, नमस्कार। बहुत दिन की डिमांड थी, हमारे अप्पूगौड़ा MLA साहब बहुत दिन से इसके बारे में हमको हर वक्त रिमांड करते थे। आज हमारे कमलापुर के और आजू बाजू के पूरे लोग आए हैं, कम से कम 5-6 स्टॉप, छोटे छोटे स्टॉप आज तक ट्रेन नहीं देखे थे, वहाँ पे रुकेंगे, गरीब लोग उसमें चलेंगे, उसका फ़ायदा उठाएंगे। और 5-6 ट्रेन जो यहाँ पे डिमांड थी गुलबर्गा में रुकने के लिए, शाहबाद में, वाड़ी में, नालौर में, वो भी 5-6 स्टेशन यहाँ पर रुकने के लिए हमने पूरा भी ट्रेन नंबर के साथ ट्रेन का नाम भी दे दिया, वो भी बहुत अच्छा काम हुआ है। और तीसरा काम हमारे गुलबर्गा अमृत स्टेशन में लिया गया है, यहाँ पे होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पे पूरा डेवलप होगा, बहुत अच्छी तरह डेवलप होगा। ये सब अच्छा काम कर हमारे नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, रेल मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को, हमारे बोम्बई शॉप को, सरकार को हम शुक्रिया अदा करते, धन्यवाद। ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಘ ಸದಸ್ಯರು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಧಿಕಾರರು ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿ
ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಉಮೇಶ್ ಜಾಧವ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಏನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ವರೆಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಆಗಬೇಕು ಆ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕೇವಲ ರೈಲ್ವೆ ಲೈನ್ ಆದರೆ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಟ್ರೈನು ಕೂಡ ಓಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಜನರು ಬೈಕೆ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ಆ ಬೈಕೆಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಬೀದರಿಗೆ ಇವತ್ತು ರೈಲ್ವೆಯನ್ನ ಚಾಲನೆಯನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಹಸಿರು ನಿಶಾನಿಯನ್ನ ತೋರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ಆ ರೈಲ್ವೆಯನ್ನ ಚಾಲನೆಗೊಂಡಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ಹಾಕಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ಈ ಟ್ರೈನ್ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇದರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತಾಜ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿ ಸ್ಟೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾಪ್ ನಮ್ಮ ಕಲಬುರಗಿಯಿಂದ ಹೊರಟ್ರೆ ಟ್ರೈನು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟಾಪು ಇವತ್ತು ತಾಜ್ ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ್ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನ ಆಗುವಂತ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಸಂಸತ್ ಸದಸ್ಯರು ಬಹಳಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನ ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಬೈ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲ್ಲರ್ಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆಬಿಎನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಶಾಹಿನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫೈನ್ ಆರ್ಟ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಚುಲ್ಬುಲ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅಂಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾರ್ಕಲ್ಸ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಂಡಿಲೀಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕೇಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಬೈ ಆದರ್ಸ್ ಟ್ರೇಡರ್ಸ್